हेलो दोस्तों, आप सब ने बचपन से ही सोनी का नाम तो सुना ही होगा। सोनी एक ऐसी कंपनी है जिसका नाम आप हर जगह देखेंगे, चाहे वह इलेक्ट्रॉनिक्स हो, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें हो, या फिर सिनेमा हो, या म्यूजिक हो, या टीवी चैनल्स हो, या फिर गेम्स हो। सोनी हर जगह है। तो आज इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि सोनी कितनी बड़ी कंपनी है, इसकी हिस्ट्री क्या है, और यह क्या क्या करती है, इसके पास कितनी चीज़ें हैं, सब कुछ आज इस वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सोनी एक जापानीज कंपनी है। 1946 में शुरू हुई जब जापान वर्ल्ड वार टू से हुई तबाही से उबर रहा था। उसी समय इबुका मसारू और मोरिटो अकियो ने टोकियो सुसिन कोगियो नाम से कंपनी की शुरुआत की। और युद्ध का समय था तो उस समय लोगों को न्यूज की ज़रूरत थी, और उस समय रेडियो होता था, तो शुरुआत में यह कंपनी रेडियो रिपेयरिंग का काम करने लगी। इसके बाद कंपनी ने कई प्रोडक्ट्स बनाए, जैसे पावर मेगाफोन, इलेक्ट्रिक राइस कुकर, टेप रिकॉर्डर। यह सब इतने सक्सेसफुल नहीं रहे, पर कंपनी आगे बढ़ती रही। इसके बाद कंपनी जापान से आगे निकलकर ग्लोबल बनने की कोशिश में सबसे पहले 1958 में अपना नाम चेंज किया, जो कि था सोनी, और फिर अमेरिका में भी अपना स्टोर खोला। और उसके बाद उनका अगला प्रोडक्ट पॉकेट साइज का ट्रांजिस्टर रेडियो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ। यहीं से सोनी की सफलता की कहानी शुरू हो गई, और यह कंपनी आज सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स ही नहीं बल्कि उससे बढ़कर आज चार चीज़ों में ऑपरेट कर रहा है। एक है इलेक्ट्रॉनिक्स, एक है म्यूजिक, एक है मोशन पिक्चर जिसमें मूवीज और टीवी शो है, और चौथा है फाइनेंशियल सर्विस जिसमें बैंकिंग और इंश्योरेंस है। तो आइए सबके बारे में एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहले सोनी इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में सोनी ने कई इनोवेशंस और नए आविष्कार किए हैं जिसने कि टेक्नोलॉजी की दुनिया को बदल कर रख दिया। जैसे 1979 में आया सोनी वॉकमैन, जिसने म्यूजिक को हमेशा के लिए चेंज कर दिया, क्योंकि इसमें म्यूजिक का कैसेट होता था और लोग अपने फेवरेट म्यूजिक को कहीं भी अब सोनी वॉकमैन से हेडफोन के जरिए सुन सकते थे। तो यह बहुत बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ। इसके बाद सोनी कैमरा में भी काफ़ी आगे है। 1989 में पहला कैमकॉर्डर लॉन्च किया, और उसके बाद से अब तक कैमरा डिपार्टमेंट में सोनी काफ़ी आगे चल रहा है। चाहे DSLR हो या फिर मिररलेस कैमरा, सब में सोनी बिल्कुल छा गया। इसके अलावा सोनी सेमीकंडक्टर में भी काफ़ी आगे है। जैसे सोनी कैमरा के सेंसर बनाता है, यानी कि सारे मोबाइल कंपनी जैसे Xiaomi, Realme, Google Pixel और iPhone के शानदार कैमरा के पीछे ज़्यादातर सोनी का ही कैमरा सेंसर होता है। इसके अलावा सोनी ने एक वीडियो कैसेट रिकॉर्डर यानी VCR लॉन्च किया था, बीटा मैक्स करके, जिसमें लोग मूवी देखते थे या TV शोज रिकॉर्ड करते थे। पर यह उसी टाइम के VHS VCR से ज़्यादा दाम होने के कारण सक्सेसफुल नहीं हो पाया, पर क्वालिटी में सोनी का बीटा मैक्स ज़्यादा बेहतर था। पर फिर सोनी ने उससे भी आगे बढ़कर फिलिप्स के साथ मिलकर कॉम्पैक्ट डिस्क यानी CD का आविष्कार किया, जो कि काफ़ी सफल रहा, जिससे पतले से डिस्क में मूवी और म्यूजिक स्टोर हो सकता था। इसके बाद सोनी ने CD से भी बढ़कर ज़्यादा स्पेस वाला DVD बनाया, और उसके बाद ब्लू-रे डिस्क का भी आविष्कार किया, जिसमें कि DVD से भी ज़्यादा स्टोरेज होता है। और दोस्तों, सोनी ने फ्लॉपी डिस्क का भी आविष्कार किया था, जिसका पुराने कंप्यूटर में काफ़ी ज़्यादा यूज हुआ था, चाहे वो एप्पल का मैक हो या फिर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, सबका स्टोरेज फ्लॉपी डिस्क में ही होता था पहले। इसके बाद सोनी TV में भी काफ़ी आगे है। इसका प्रीमियम रेंज OLED TV सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और नंबर 1 है। इसके बाद सोनी ने एरिक्सन कंपनी को भी खरीद लिया था, जो कि मोबाइल कम्युनिकेशन के क्षेत्र में काम करता था। पहले तो सोनी एरिक्सन करके मोबाइल निकाला, और अब एरिक्सन मोबाइल नेटवर्क और कम्युनिकेशन में काम करता है, और अभी कई देशों में 5G नेटवर्क को इंस्टॉल भी कर रहा है। इसके बाद सोनी मोबाइल, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक कार्स के लिए भी बैटरी बनाता है। इसके बाद सोनी ने कंप्यूटर और मोबाइल की दुनिया में भी कदम रखा, जिसमें सोनी वायो करके कंप्यूटर लॉन्च किया और सोनी एक्सपीरिया रेंज में मोबाइल। तो दोस्तों, ये है सोनी का इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट, जिसमें से सोनी ने अपनी 2019 की $77 बिलियन की कमाई में से इलेक्ट्रॉनिक्स से ही $19 बिलियन की कमाई की। इसके बाद जो सोनी जो सेमीकंडक्टर पर काम करता है, जैसे कि कैमरा सेंसर, जो कि लगभग हर मोबाइल में होता है, उससे भी सोनी को काफ़ी कमाई हुई, लगभग $10 बिलियन की। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स सोनी की कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा है। इसके बाद सोनी का अगला सबसे सफल प्रोडक्ट है सोनी प्लेस्टेशन, जिसने कि गेमिंग की दुनिया को बदल कर रख दिया, जिसने 3D गेमिंग की शुरुआत की। और 1994 में लॉन्च हुए PS1 से लेकर PS4 तक अब तक सारे वर्जन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हैं, और अब इसी साल PS5 लॉन्च होने वाला है,
तो इस मामले में सोनी की डोमिनेंस काफ़ी आगे है। इसमें सिर्फ एक ही कंपनी सोनी को टक्कर दे पा रहा है, जो कि है माइक्रोसॉफ्ट का एक्सबॉक्स, जो कि सोनी के प्ले स्टेशन का कंपिटिटर है। पर फिर भी कई एक्सक्लूसिव गेम होने के कारण सोनी प्ले स्टेशन को ही ज़्यादा गेमर्स पसंद करते हैं। यह सोनी का प्ले स्टेशन सोनी इंटरेक्टिव इंटरटेनमेंट कैटेगरी में आता है और यह पूरी तरह से गेम पर फोकस्ड है, जिसमें प्ले स्टेशन के अलावा सोनी ने कई गेमिंग कंपनी को भी खरीद रखा है, जिससे सोनी कई गेम्स बनाता है या पब्लिश करता है, जैसे स्पाइडरमैन, द लास्ट ऑफ अस या गॉड ऑफ वार जैसे पॉपुलर गेम्स। तो इस गेमिंग कैटेगरी से भी सोनी को काफ़ी कमाई होती है। 2019 में गेमिंग से सोनी ने लगभग $19 बिलियन की कमाई की, जिसमें से $3 बिलियन की प्रॉफिट हुई। अब दोस्तों बात करते हैं सोनी इंटरटेनमेंट की। तो दोस्तों पहले तो सोनी सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करती थी, पर 1989 में सोनी ने कोलंबिया पिक्चर्स को कोका कोला से $3.4 बिलियन में खरीद लिया और इस तरह से सोनी ने हॉलीवुड में भी कदम रख दिया। और उसके बाद से सोनी ने कई सुपरहिट मूवी दी है, जैसे मैन इन ब्लैक, जुमांजी और स्पाइडरमैन जैसी मूवी। तो सोनी को कोलंबिया पिक्चर खरीदने से बहुत ज़्यादा फायदा हुआ और सोनी को स्पाइडरमैन मिलने के पीछे भी एक कहानी है। जब मार्वल की फाइनेंशियल हालत बहुत बुरी थी, तो मार्वल ने सोनी को अपने कई सारे कैरेक्टर बेचने का ऑफर दिया, जैसे आयरन मैन, थॉर, एंट मैन, ब्लैक पैंथर, स्पाइडरमैन वगैरह, सिर्फ $25 मिलियन में। पर सोनी ने सिर्फ स्पाइडरमैन को चुना और बाकी सब कैरेक्टर को खरीदने से मना कर दिया। उनका कहना था कि लोग स्पाइडरमैन से ही प्यार करते हैं, बाकी को कोई कुछ नहीं पूछता। तो इस तरह से सोनी को सिर्फ स्पाइडरमैन का राइट मिला था और बाकी के कैरेक्टर मार्वल के पास ही रह गए, जिससे मार्वल ने पूरी की पूरी एवेंजर्स फ्रेंचाइजी बना डाली। पर जो भी है सोनी के पास, उसी का पूरा फ़ायदा उठा रहा है। अब डिज्नी सोनी को कितना भी ऑफर करे, पर सोनी स्पाइडरमैन को वापस बेचने के लिए तैयार ही नहीं है। तो इस तरह से सोनी पिक्चर्स इंटरटेनमेंट भी बहुत सक्सेसफुल है। सोनी इंटरटेनमेंट टीवी में भी है, जिसमें कई सारे टेलीविजन स्टूडियो सोनी के अंदर आते हैं और सोनी ने कई सारे सक्सेसफुल टीवी शोज को प्रोड्यूस या डिस्ट्रीब्यूट किया है, जैसे ब्रेकिंग बैड, बेटर कॉल सॉल, द बॉयज वगैरह। इसके अलावा सोनी इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। इंडिया में सोनी के कई सारे चैनल्स हैं, जैसे सोनी टीवी, सेट मैक्स और भी कई सारे चैनल, जो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं और इसके कई सारे शोज भी बहुत पॉपुलर हैं। इसके अलावा सोनी गेम्स टेलीकास्ट में भी बहुत आगे है। क्रिकेट, WWE, फुटबॉल, सभी चीज़ों का टेलीकास्ट करता है। इसके अलावा सोनी का OTT प्लेटफॉर्म भी है, जो सोनी लिव है, और सोनी इंडिया में BBC का भी पार्टनर है, जिसमें आप वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री देखते हैं, जैसे प्लैनेट अर्थ। तो दोस्तों इस तरह से सोनी इंटरटेनमेंट भी बहुत बड़ा है और दुनिया की टॉप इंटरटेनमेंट कंपनी में गिना जाता है, जिसमें डिज्नी, वार्नर ब्रोस और पैरामाउंट पिक्चर्स, यूनिवर्सल पिक्चर्स जैसे स्टूडियो आते हैं। और इसके अलावा दोस्तों सोनी म्यूजिक में भी है और म्यूजिक की दुनिया में भी सोनी बहुत आगे है और top 3 म्यूजिक कंपनी में सोनी को गिना जाता है। सोनी म्यूजिक 1988 में शुरू हुआ, जब सोनी ने CBS म्यूजिक को एक्वायर कर लिया और उसके बाद से सोनी ने अभी तक कई बड़े बड़े सिंगर्स के साथ काम किया है और उनके गानों को पब्लिश करता है। तो इस म्यूजिक, टीवी और मूवी से भी सोनी को लगभग $17 बिलियन की कमाई हुई 2019 में। इसके अलावा सोनी हेल्थ केयर और फाइनेंस सर्विस में भी काम करता है, जैसे सोनी बैंक, जो कि जापान में ऑनलाइन काम करता है। तो दोस्तों सोनी ऐसी कुछ एक कंपनी में से है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स भी बनाती है, मूवी भी, म्यूजिक भी, टीवी शोज भी। तो काफ़ी स्पेशल कंपनी है और इसकी Fortune 500 कंपनी में रैंकिंग भी अभी 2020 में 116 है, जो कि काफ़ी अच्छी है। पर अगर पीछे देखें तो 2000 के लगभग के टाइम में सोनी की रैंकिंग 30 के आसपास हुआ करती थी। तो ऐसा क्या हुआ कि सोनी की रैंकिंग इतनी कम हो गई है अभी? तो दोस्तों इसका रीज़न ये है कि सोनी की वैसे तो कुछ चीज़ें बहुत सक्सेसफुल है, जैसे प्ले स्टेशन या फिर कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें जैसे TV, कैमरा, तो ये सब सोनी को अच्छा कमाई करके दे रही है। पर कुछ चीज़ों में सोनी पीछे रह गया, जैसे कि कंप्यूटर के बिजनेस में सोनी को अपना वायो का लैपटॉप बिजनेस बंद करना पड़ा। इसके अलावा सोनी स्मार्टफोन के मार्केट में भी बहुत पीछे हो चुका है और आजकल सोनी इनोवेशन भी बहुत कम कर रहा है। जैसे पहले सोनी ने वॉकमैन, CD, DVD और ब्लूरे डिस्क बनाकर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया को बदल कर रख दिया, जिससे सोनी की मोस्ट इनोवेटिव कंपनी में गिनती होती थी। पर अब वह तमगा सोनी से बिल्कुल छिन सा गया है और दूसरी कंपनी जैसे एप्पल, सैमसंग, टेस्ला, अमेजोन सबको अब मोस्ट इनोवेटिव कंपनी में गिना जाता है। पर फिर भी अभी भी सोनी बहुत मजबूत स्थिति में है
प्ले स्टेशन, टीवी और कैमरा सेंसर के कारण और सोनी पर अभी भी लोग भरोसा करते हैं और इनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। तो दोस्तों यह थी सोनी कंपनी के बारे में वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना भी ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।